नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुशखबरी पेंशनधारकों, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि आपकी जो सैलरी लिमिट है 15,000 रुपये, उसे अब ईपीएफओ बढ़ाने जा रहा है 21,000 रुपये प्रति माह करने को लेकर ईपीएफओ की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। तो आइए इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल से जानकारी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास बेल आइकन का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर देना है, ताकि ऐसी पेंशन रिलेटेड और भी नई नई अपडेट होगी वो ईपीएफओ की, वो सबसे पहले आपको देखने को उसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए प्रतिमाह करने को लेकर प्रस्ताव दिया है। हालांकि समिति ने कहा है कि सरकार सभी सूचनाओं पर विचार करते हुए बाद की तारीख से वृद्धि दर को भी लागू किया जा सकता है। यानी कि अभी ईपीएफओ की तरफ से यह विचार किया जा रहा है कि पेंशनधारकों को कब ये पेंशन है जो बढ़ाई जाएगी, यानी कि आपकी सैलरी लिमिट है 21,000 रुपए हो जाएगी तो आपको पेंशन है वैसे ही बढ़कर मिलने वाली, क्योंकि आपकी जो 15,000 रुपए की सैलरी के अनुसार आपको 7,500 रुपए मिलती है और 21,000 रुपये होगी तो आपका सैलरी लिमिट, तो आपको पेंशन तो वैसे ही बढ़कर मिलने वाली है। अभी आपको 15,000 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपये मिलती है, लेकिन 21,000 रुपये के हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी अभी इसके लेकर यानी कि ईपीएफओ तैयारी में है। अगर इस लिमिट को जारी किया गया तो बाद में आपको पता चलेगा आपकी पेंशन एग्जैक्टली कितनी आपको मिलने वाली है।